डेविड धवन सर से आपकी कैसी दोस्ती है? मतलब एक आपकी जो फिल्म शोला शबनम आप उनके उनके साथ आपने की, तो उनके साथ फिर कैसी दोस्ती रही, बॉन्डिंग कैसी रही? पता नहीं कितना मैं बोलूं उनके बारे में, बहुत अच्छे रहे हम लोग शोला शबनम के टाइम पर, बहुत अच्छे रहे। बाद में जो फिल्में ऑफर की उन्होंने, उससे मुझे काफी धक्का लगा। उन्होंने उसके बाद जो भी फिल्म जैसे आंखें उन्होंने ऑफर की, तो मुझे ये कह के ऑफर की कि इसमें हम इस कैरेक्टर के लिए आपकी मुझे जरूरत है, सिर्फ इसमें जरूरत आप पूरी कर दीजिए, आगे आपको उसी तरह के कैरेक्टर या उससे भी बड़ा कैरेक्टर करेंगे जो आप शोला शबनम में किया। आमतौर पर होता है ना ऐसा कि आप एक फिल्म में क्लिक करते हैं तो उससे आगे बढ़ते हैं, उससे और बेहतर कैरेक्टर आपको अगली फिल्म में वो पर्टिकुलर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर देते हैं, ऑफर करते हैं। सो वैसा नहीं हुआ। आंखें में उन्होंने बस दो सीन का कैरेक्टर मुझे दिया। मैंने चूंकि नया नया था और जब वो प्रॉमिस कर रहे थे कि आपको आगे बहुत कुछ करने वाले हैं, आपके लिए बहुत कुछ ऐसा होने वाला है, आप याद रखोगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी बातें की उन्हें, तो मैंने वो फिल्म की। और जो अगली तीसरी फिल्म उन्होंने की अंदाज, अनिल कपूर और श्रीदेवी, ये जूही चावला, करिश्मा कपूर, करिश्मा कपूर, हाँ। तो मैं सोच रहा था कि अगली फिल्म में फिर कुछ, अब तो इसमें उसमें कैरेक्टर भी काफी थे। बाद में फिर जब मालूम पड़ा कि जो कैरेक्टर वो मुझे ऑफर कर रहे हैं वो एक पांच लोगों की टीम का ही एक हिस्सा है, और जब मैंने उनको बोला कि मुझे सीन्स बताओ कि क्या क्या हैं और क्या क्या मेरे पार्टिसिपेशन है, तो ऐसे बोलचाल बात बात में उन्होंने सब कुछ ऐसा बताया जैसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। और बाद में वहां जाके जब शूटिंग की तो हम दौड़ भाग रहे थे, और पूरी फिल्म में ज्यादा से ज्यादा तीन सेंटेंस या चार सेंटेंस के मेरे डायलॉग्स थे। तो मैं इतना मैं रोया उनके सामने कि आपने क्या किया, मैं ये ऐसे काम करने के लिए थोड़ी आया हूँ बॉम्बे। और मैं उसके बाद से फिर मैं ना उनको मिला, उसके बाद से नहीं मिला मैं, मतलब इतना दुख, बहुत दुख महसूस किया। अभी आपने पूछा है और चूंकि अब तो क्या है, समय बहुत काफी निकल चुका है, इसके पहले मैंने इस तरह की चर्चा की भी नहीं है किसी के साथ। बाकी यह है कि बहुत आहत किया उन्होंने मुझे, इतने उसके बाद इतनी फिल्में बनाई उन्होंने, मैं कहीं नहीं था, मैंने मेरे काम में कोई कमी थोड़ी थी। जो उनकी फिल्म हिट हुई उसका एक हिस्सा मैं भी था, मेरी परफॉर्मेंस भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की थी। या तो ये हो कि मैंने काम खराब किया और मैं डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे आपने बड़ा रोल क्यों नहीं दिया, लेकिन उसके बाद एक भी फिल्म में नहीं हूं मैं। तो आई डोंट नो कि मतलब मुझे किस तरह से क्या कहना चाहिए। बाकी ये है कि सोच में इतनी गरीबी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा तो एक मैच्योरिटी लेवल भी होना चाहिए आपकी सोच, सिर्फ इतना स्वार्थ आ जाए तो आपको फिर बाकी चीजें नहीं आपको करेक्ट लगती हैं, आपको सिर्फ अपना ही अपना सब सही लगता है। किसी की भावनाएं, किसी के मतलब आपकी जो इवन क्रिएटिविटी, आपके सृजन का दायरा भी इतना छोटा सा हो जाता है जब आप इस लेवल पर आ जाते हैं। उनके बारे में मैं और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, जो मैंने बोल दिया है, कभी नहीं बोला, आज बोला।